गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ उद्देश्य एकेडमी। आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। तो इसके लिए सब आइए देखते हैं। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इस तरह का अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसके रूट्स क्या आते हैं? तो यक्स इक्वल टू, देखिए तो इसके रूट्स क्या आते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए एंड माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स होते हैं। अगर इसको हम कंबाइन करके लिखें तो ऐसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो ये रूट्स हो गया। इसमें माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ही नेचर रूट्स के नेचर को डिसाइड करता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला कंडीशन, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स डी की वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो पॉजिटिव में वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो अपने को तो हमें नेचर ऑफ रूट्स क्या मिलेगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सेकेंड कंडीशन है, इफ डी इक्वल टू जीरो और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, देन टू इक्वल रूट्स अपने हमें मिलेगा, टू इक्वल रूट्स रियल रूट्स मिलेंगे। थर्ड कंडीशन है, इफ डी इज लेस देन जीरो और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, देन नो रियल रूट्स, नो रियल रूट होगा, ठीक ना, कोई रियल रूट नहीं होगा। इन तीनों कंडीशन पे हम तीन सवाल लगाते हैं, तीन क्वेश्चन देखते हैं, तो ये तीनों कंडीशन अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फोर से एक्सरसाइज 4.4 का मैं क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। तो इसमें लिखा है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम इससे इक्वेट करेंगे तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर तो ए की वैल्यू टू हो गई, ए इक्वल टू टू। इसी प्रकार बी की वैल्यू इक्वेट करेंगे तो माइनस थ्री, एंड लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म सी की वैल्यू फाइव, सी की वैल्यू फाइव। तो हम अब डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करें फाइंड करेंगे, तो डी इज कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड देन वी गेट वैल्यू ऑफ डी। तो हम लोग ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर फोर इंटू ए इंटू सिक्स, सी की वैल्यू फाइव,
थ्री का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस, 4 टू जा 10, 10 फोर, 10 फोर जा 40, 9 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 31। देखिए सिंस डी की वैल्यू लेस देन 0 है ना, निगेटिव में आई है, तो क्या करेंगे, नो रियल रूट्स, हमें कोई रियल रूट्स फाइंड नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर लिखेंगे दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम ए बी सी की वैल्यू इससे इक्वेट करके फाइंड कर लेंगे, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस फोर रूट थ्री एंड सी की वैल्यू 4। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू सबकी ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। b की वैल्यू माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 एंड 6 c की वैल्यू 4। अब इसको मैं अलग से सॉल्व करके बताता हूँ, इसको स्क्वायर है इसका मतलब इसको दो बार लिखना है, माइनस 4√3, माइनस माइनस प्रोडक्ट में है तो कैंसिल हो जाता है, 4 4 जा 16, √3 × √3 3, 16 3 जा 48, तो यहाँ 48 लिख लेंगे, माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48 इक्वल टू 0। तो हमें डी की वैल्यू 0 आ गई, सेंस डी इक्वल टू 0। देयरफोर कैसा फाइंड होगा, तो देयरफोर 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रियल रूट्स, ये हो। और देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको फाइंड करेंगे इक्वेट करके, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 6 एंड लास्ट c की वैल्यू 3। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, पुट द वैल्यू ऑफ a b c, तो b की वैल्यू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, 6 6 जा 36 माइनस का स्क्वायर प्लस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। फिर इसमें 36 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, तो वैल्यू डी की वैल्यू पॉजिटिव में है, डी इज ग्रेटर देन 0। सिंस डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें मिलेगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक ना। तो ये तीन हमने तीन क्वेश्चन किया और तीनों कंडीशन पर क्वेश्चन किया, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।